वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस एपिसोड में हम अनुच्छेद 25 की खोज करते हैं, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यता, धर्म और पूजा प्रथाओं का पालन करने की स्वतंत्रता है। ये धार्मिक विविधता के महत्व को पहचानता है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखता है, जिससे व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास को व्यक्त करने और प्रकट करने की अनुमति मिलती है। अनुच्छेद 25 विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी सम्मान, समझ और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है, धार्मिक सद्भाव और सह अस्तित्व के वातावरण को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों, समूहों या संस्थानों के धर्म, पूजा और प्रशासन के मामलों सहित अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार को स्वीकार करता है। ये धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता और उनकी पसंद के धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता और विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार या समर्थन के लिए टैक्स फंड के उपयोग पर रोक लगाता है। ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए आर्थिक रूप से योगदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। आर्टिकल 27 एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी समाज को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां प्रत्येक नागरिक अन्य धर्मों के प्रति किसी भी वित्तीय दायित्व के बिना अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 28, फ्रीडम इज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा पूरी तरह से संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं लगाया जाता है। ये प्रावधान एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के महत्व को पहचानता है, जो धर्मों की विविधता का सम्मान करता है और छात्रों को बिना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 28 समावेशिता और सहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा देता है, जहां छात्र विभिन्न धर्मों की अपनी मान्यताओं और समझ को विकसित कर सकते हैं। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है। सीन, इंडिविजुअल्स एंगेजिंग इन रिलीजियस एक्टिविटीज एंड सेरेमनीज। नरेटर, वॉइस ओवर, वेलकम बैक टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस एपिसोड वी कंटिन्यू आवर जर्नी थ्रू आर्टिकल्स 28-30, विच फर्दर डेल्व इनटू द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। Let's begin with Article 28. Scene: The text of Article 28 appears on screen. Narrator: Voiceover. Article 28 guarantees the right to freedom of religion with respect to educational institutions. It ensures that no religious instruction is imposed in any educational institution wholly maintained by the government or receiving government aid. Scene: Images of students from different religious backgrounds studying together. Narrator: Voiceover. This provision recognizes the importance of providing a secular education system that respects the diversity of religions and allows students to receive education without any religious bias. Scene: Teachers promoting inclusive and secular values in the classroom. Narrator: Voiceover. Article 28 promotes an atmosphere of inclusivity and tolerance, where students can develop their own beliefs and understanding of different religions. Fade out. Article. ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी भेदभाव या दमन के बिना अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक विविधता और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे उन्हें भारतीय समाज के समृद्ध टेपेस्ट्री में पनपने और योगदान करने की अनुमति मिलती है। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Article 30 recognizes the importance of ensuring educational opportunities for minority communities and the freedom to manage their educational institutions. यह अल्पसंख्यकों को उनके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षण संस्थानों के माध्यम से उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 धार्मिक या भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए समान शैक्षिकी अवसर प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 25 से 30 की हमारी खोज को समाप्त करता है। अगली टी एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस उल्लेखनीय दस्तावेज में निहित मौलिक अधिकारों में और गहराई तक जाते हैं, जो एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज की नींव रखता है।